सारे जग को मिटा देगा वादा। महारानी लीलावती तो ये विक्रम सिंह भी तुम्हारे ऊपर अपनी जान दे देगा। सच? तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन महारानी जी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मेरे प्यार को किसी को मालूम हो जाए और राज्य में बगावत फैल जाए।
फिर मिलूंगा। लेकिन विक्रम सिंह, क्या मैं तुम्हें और भी कुछ काम करना है, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले वादा करो। मैं काम कौन सा है, पहले काम बताइए। आपने अभी हमारे जेठ अंजान सिंह का खून करके आए हैं। हमारे जेठ अंजान सिंह के खून का इल्जाम उनके बेटे भारत पे लगना चाहिए। हाँ, बाप का खून बेटे के नाम। हाँ, मैं तुम्हें बाकी के 25,000 रुपए तुम्हें जरूर दूंगी। महारानी जी, जिन्हें मरने की कसम खा चुकी है, खा चुका हूं, तो ये भी काम कर दूंगा। वादा वादा सब। लेकिन देख रही हूं, वादा कर ले जा, ले जा। वादा कर ले जा, ले जा। तेरे बिना मैं न रही, मेरे बिना तू न रहे, छोटे जुदा दिया। हम प्यार ज्योति जलाए, हम प्यार ज्योति जलाए। वादा कर ले चांदना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे जुदा। अब देखना, हमने हमारे जेठ जी का खून करवा दिया, अब इसका इल्जाम उस हराम चादे भारत पे लगाएगा, क्योंकि उसने मेरे दिल का अरमान तोड़ा है, मेरी प्यास उसने ही बुझाई। मैं उसे इस तरह तड़पाऊंगी, वो भी याद करेगा। अब मैं अपना लीला ऐसे फैलाऊंगी कि ये दुनिया वाले याद रखेंगे महारानी लीलावती को। कहती हूँ, मेरा नाम आई एम लीलावती। श्री राम बाबू, एक काम तेरा फिर आ गया रे। यानी कि एक काम और आके फाट पड़ा। 2-4 हजार रुपए ले लेना। कतने काम करो हो भाई तुम। है श्री राम, पहले का हिसाब होवे पड़ा होवे के ध्यान नहीं ना भाई ठाकुर। देख सब एक हम तेरे अकाउंट में कर देंगे। अच्छा अच्छा, यानी कि यहू काम के सब इकट्ठे। बताओ वो को बताओ भाई। महाराज अंजान सिंह का खून किसने किया? आपने। हम भाई झूठ ना बोलब। हमका देखो, तुमका भगवान के घरे जाए का है, हमका यही रहे का है। मुझको भगवान के घर जाना है, तुझको यही रहना।
तो एक पैसे नहीं दूंगा। जब तुझको यही रहना तो एक पैसे नहीं दूंगा। यानी कि सब 2500 का घोटाला यार, या तो फिर बेईमानी आ ठाकुर। देख ये खून किसी और ने किया है, भारत ने। यानी कि तुमको नहीं कहना है? ये तुमको नहीं कहना है, तुझको ये कहना है अगर बड़ा आदमी बनना है तो 25,000 लेना है तो। यानी कि 25वां और 5 और। 5 और ले ले, चल देता हूँ पूरा 30,000। बताओ यार, जहाँ बताई। अरे अरे नहीं, वह बात ठाकुर, वह बात नहीं। अरे हमार तुम्हार तो चलते है यार। हम कह रहे हैं कि हमरा हाथ ना उठे, हमको हाथ उठाने पे मजबूर करता है तू। अरे नावे निकरिया भाई यार, तो चले फिर यार बोल। अच्छा हाँ ना निकरिया भाई, 1,000 और ले ले। अगर ये बात है 1,000 और ले ले, सुन तुझे कहना क्या है बताइए। यहाँ से चलते हैं महाराज अनजान वो रंजीत सिंह के पास। अच्छा अच्छा, अनजान सिंह तो मर ही दी गए। वहाँ अगर का कोई बात हो जाए के ये खून भारत का ने कैसे किया, कैसे अनजान सिंह का खून हुआ, यानी कि बात फंसे वाली हुए तो है? तो वहां तुझे कहना क्या है कि महाराज भारत अपने पिता अनजान सिंह को जंगल में गोली मारकर भाग गए थे। या तो भाई सब झूठ है, लेकिन हाँ हाँ गोली मार के भाग गए हैं। पैसों के लिए कसम भी खाना पड़ जाए तो खाना पड़ेगा तुझे। अरे तुम कसम का बात बताओ तो, कौनो बात फंसे वाली हुए तो बताओ, हम गंगा पैर जाओ कसम खाएगा ना। तो ये किसी ना किसी तरीके से भारत पे खून का इल्जाम महाराज के लगना है, समझ गया? आया महाराज रंजीत सिंह के पास चलते हैं। और सुन, सबको फिर कह दे कि अगर शांत रहे तो रंग मारूंगा, अगर विक्रम सिंह से टकराया तो बम मारूंगा। दरबारियों कहाँ चले गए थे? ड्यूटी में लगे हैं। अच्छा ड्यूटी में लगे, हमें लगता कि बहुत मेहनत करते हो तुम लोग। हाँ, हाँ, क्यों नहीं। क्या हाल है, क्या समाचार है? रहा है समाचार ठीक है, बैठिए सब समाचार मैं बता दूंगा। एक बात सोच रहा था यार। वो कौन सी बात है? हम तो ये सोचते हैं ना कि मेरे जैसा भारत भोलेनाथ सबको दे। हाँ, क्यों नहीं। वो इसलिए कि अपने पिता के 5 बचनों के लिए भोलेनाथ के चौखट में जाके माथा टेकता है और इनसे यही मांगता है कि भोलेनाथ हमारे पिता के 5 वचन पूरे होने चाहिए। सही कहते हैं। ऐसा ही है, ऐसा औलाद और ऐसा बेटा ऊपर वाला सबको। सही कहते हैं। विक्रम का दा विक्रम सिंह। अरे वाह, काफी दिनों के बाद आज रंजीत सिंह की कैसे याद आ गई? अरे दोस्त रंजीत सिंह
याद आ गई। और हाँ, तुझे देखकर ये भी मालूम हो रहा है क्या कि भाई हम तो दोस्त एक साथ पढ़ने वाले, मैं एक गुंडा मवाली और रंजीत सिंह एक महाराज। नहीं विक्रम सिंह, ये तो अपना अपना नसीब है, लेकिन आने का मतलब पूछना चाहते हैं। पूछिए महाराज। काफी दिनों के बाद रंजीत सिंह की कैसे याद आई, ये जानना चाहते हैं। मेरे सीने नहीं मिलोगे रंजीत सिंह। क्यों नहीं? आओ हमें। क्या बात है, आप जानना चाहते हैं कि हम आपसे मिलने क्यों आए? वो भी अपने दोस्त की दिल की बात ना जाने। महाराज रंजीत सिंह बोलो, यानी अपने दोस्त का हम कहेंगे तो आप सुनकर घस खाकर जमीन पे गिर जाएंगे। आपकी बात सुनकर मैं घस खाकर जमीन पे गिर जाऊंगा? महाराज हम तो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जबान से निकले और आपका कलेजा फक्त ना हो जाए। अगर ये बात है विक्रम सिंह तो आज हम वो दिल की बात जरूर सुनेंगे। बोलो क्या बात है। तो क्या सुना सकूं दोस्त मनवा तुझे, खून बेटे ने अपने पिता का किया। देख कर अपनी आंखों से मैं आ रहा, अपनी आंखों से देख कर आ रहे हूँ महाराज। लेकिन ये कहानी कहाँ की है महाराज? कहते हुए हृदय हृदय कांप रहा है, हृदय कांप रहा है। ये बात है दोस्ती की, बात है अपनी आंखों से खुद देख कर आ रहा। खून क्या खून भारत ने अपने पिता का किया। Thank you.
विक्रम सिंह, खून भारत रत्न पिताजी का किया? लेकिन किस भारत की बात करते हो, ये नहीं समझ में आता। आपके बेटे भारत, हाँ मेरे भारत की बात करते हो तो आपके बेटे भारत। दरबारी, ये विक्रम सिंह मेरे अपने भारत की बात करते हैं कि खून अपने पिता का कर दिया? अरे वाह, वो भारत जो भोलेनाथ के मंदिर में जाके अपना माथा टेकता है, और यही कहता कि भोलेनाथ हमारे पिता के पांच वचन पूरे होने चाहिए। और आज विक्रम सिंह कहते हैं कि अपने पिता का खून कर दिया। महाराज, क्या आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है? और बड़ी आसानी से कह दिया विक्रम सिंह कि भारत ने अपने पिताजी का खून किया है। अरे उस भारत की बात करते हो तुम, अपनी राय को माँ और बहन समझता है, अपने चाची को पिता माता समान और चाचा को पिता समान समझता है, और अपने पिता के पांच वचन की लाज निभाता है, उसकी बात करते हो तुम। महाराज, ये कलयुग है, कलयुग है, ये राज के लिए बेटा बाप का खून कर सकता है, विश्वास नहीं अपने दोस्त पर, चला जाऊंगा। लेकिन महाराज, जब हकीकत आपके सामने आएगी, तो हाथ मलमल के रोएंगे, तब विक्रम सिंह तुम्हें याद आएगा। विक्रम सिंह, हम तुम्हें सब खूब अच्छी तरह जानते हैं, किंतु पैसे के लिए किसी का सुहाग उजाड़ देते हो और किसी का घर बर्बाद कर देते हो। सराफत इसी में कि तुम ठहरे मेरे दोस्त, नहीं तो अपने नौकरों से कहकर तुम्हें धक्के मार कर राज दरबार से बात कर देता। मैंने कहा ना महाराज रंजीत सिंह, धक्के मारने की कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। गेट आउट, कोई विश्वास नहीं है। दरबारी, जाइए, मुंह क्या देख रहे हैं? बड़ी आसानी से कह दिया। लीला बता तुम, आपसे जो विक्रम सिंह कह रहे थे ये बात सत्य है स्वामी? जो विक्रम सिंह कहते हैं वो बात सत्य है? हाँ प्राणनाथ। तो क्या तुमने अपनी आंखों से देखा कि भारत ने अपने पिताजी का खून कर दिया? नहीं प्राणनाथ, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन अपने कानों से सुना जरूर है। क्या सुना है बताऊं आपसे? बोलो लीलावती, क्या सुना है तुमने? प्राणनाथ, आप जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी
चुपके से भारतीय कानों में क्या कह रही थी, लक्ष्मी कहे यही थी बनो मैं भी रानी बनूं। वो भारत अपनी पत्नी लक्ष्मी से कह रहा था तुम भी राजा बनो, मैं लक्ष्मी कह रही थी भारत से। भारत लक्ष्मी भारत से चुपके से उसे कानों में कह रही थी तुम भी राजा बनो मैं भी रानी बनूं। ओ जा किस दिल चचिया ससुर में लक्ष्मी मुझे मारने के लिए कह रही थी कि किस दिन अपना चचिया ससुर मर जाएगा। क्यों? हाँ लो सुन लो, अगर आप मर जाएंगी तो भारतीय महाराज बनेगा ना। अच्छा हसीराम इधर को, कहते हैं सिरिया चरितम दैयम न जानम, गाड़ी का चक्कर औरत का मक्कर एक होता है। चलो करती हैं बात। दोस्तों मैं शिवम भाई बोल, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।